दो दिन पहले सोयपुर के कुनोपालपुर अभयारण्य में चीता छोड़ने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो सोशल मीडिया पर एडिट कर वायरल किया जा रहा है। वायरल फोटो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीतों की फोटो निकालते हुए कैमरे का कवर लगा हुआ दिख रहा है। इस मामले पर मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने साइबर सेल को जाँच के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री ने कहा, यह बहुत गंभीर विषय है। पीएम के कैमरे के साथ जिस तरीके का फैब्रिकेशन किया है, मैंने साइबर सेल को इसकी जांच के निर्देश दिए हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई, उसका पता लगाकर दोषी पर सख्त कार्रवाई करें। नरोत्तम मिश्रा ने पीसीसी चीफ कमलनाथ के बयान पर तंज कसते हुए कहा, राहुल भैया छोड़ो पर निकले हैं, कमलनाथ छोड़ो पर निकले हैं, वो पद यात्रा कर रहे हैं और कमलनाथ जी कह रहे हैं कि कांग्रेस छोड़ने वालों को वे अपनी कार से छोड़ने जाएंगे। पहले कमलनाथ जी ने चलो चलो कहकर सरकार गिरवा दी, अब संगठन को ही खत्म करने में लगे हैं। गृह मंत्री ने कहा, हेमंत कटारे कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, पूर्व विधायक हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर पिछड़े वर्ग के जय श्री राम बघेल का जिस बारे में जिनका उल्लेख किया है, उससे साफ जाहिर होता है कांग्रेस पिछड़ा विरोधी है। आदिवासी वर्ग के कार्यक्रमों को लेकर नरोत्तम ने कहा, हमें कांग्रेस से प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। जनजाति वर्ग के कार्यक्रम में 1.5 साल पहले अमित शाह आए थे, 1 साल पहले प्रधानमंत्री आए थे। चुनाव को देखकर भाजपा कोई काम नहीं करती, सेवा और विकास के मार्ग पर बीजेपी काम करती है। और कोरोना काल में मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री ने सेवा का उदाहरण पेश किया जो जनता ने देखा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल के बयान पर नरोत्तम ने कहा, यह तो उन्होंने मान लिया कि कांग्रेस सोई पड़ी है, जिसको जगाने की वो बात कर रहे हैं, ये भी उन्होंने मान लिया कि कांग्रेस कमजोर है। मैंने साइबर विभाग जो पुलिस का है, उसको इसकी पूरी जांच करने का कहा है कि ये शुरुआत कहां से हुई, और जांच होने के बाद में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई सख्त की जाएगी।